ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक वाटर का लेवल रखना होता है कि होज अडेप्टर निकाल लिए हैं बाहर एंड मैं आप अल्बोज ने लॉन्च कर दिया है लव 66 फ्लेवर में, देखेंगे कितना 66 है एंड कितना लव ऑटो कट फीचर है इसमें एंड मैक्सिमम कंट्रीज में आपको यही फ्लेवर्स दिखेंगे। फोर ओस कंपैटिबल हुक्का क्यों होते हैं एक नॉर्मल हुक्का से डिफरेंट देखते हैं आज की वीडियो में। वेनम 4 होज में लगे हैं ये चार प्रेशर नॉब्स एंड इसके डी ड्रैग फीचर के बारे में भी देखेंगे, तो पहले इसे असेंबल कर लेते हैं। कुछ इजीली तरीके से ये असेंबल एंड डिसेंबल हो जाता है। यहाँ से इसकी चारकोल प्लेट आपको खोलने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि ये इस एरिया से भी डिसेंबल कर सकते हैं आप ईजिली इसको, तो एक बहुत यूनिक फीचर है इसमें 4 होज में। तो अच्छा खासा लॉकिंग सिस्टम दिया गया है डेजाबू का, ये वेनम 4 होज है जिसमें डाउन स्टेम में आप इसका यूनिक डिफ्यूज़र देख सकते हैं किस शेप में बनाया हुआ है यूनिक डिफ्यूज़र इसका। एंड आता है कुछ इस तरीके की क्रिस्टल कट ग्लास बेस के साथ, फ्लैट बेस है डाउन साइड में एंड स्टेबिलिटी काफ़ी अच्छी है तो बिल्कुल भी गिरने का चांस नहीं है इसके बेस का। तो ये यूनिवर्सल क्वेश्चन है कि हुक के बेस में कितना पानी आना चाहिए, तो ये भी क्लियर कर देते हैं एक बारी। आपके डाउन स्टेम में जहाँ पे आपका डिफ्यूज़र है उससे जस्ट ऊपर यहाँ तक, तो आपकी डाउन स्टेम आपको दिख रही होगी इसमें, ये डाउन स्टेम इसमें डिप हो चुकी है एंड ऑलमोस्ट परफेक्ट पानी डाला है इसमें, तो ऑलमोस्ट आपको यहाँ तक वाटर का लेवल रखना होता है डिफ्यूज़र के जस्ट ऊपर तक। तो कुछ इस तरीके से मैंने इसके होज अडेप्टर निकाल लिए हैं बाहर एंड मैं आपको दिखाता हूँ कि इस तरीके की ये बॉल्स लगी हुई होती है इसमें जिससे इसका डी ड्रैग फीचर वर्क करता है एंड आपको ये बॉल्स तीन नोजल्स में रखनी होती है एंड एक में से निकाल देनी होती है जिसमें मेरे को पाइप लगाना है उसमें ये बॉल नहीं होगी एंड बाकी तीनों में होगी ये बॉल्स, जिससे कि तीनों में से डी ड्रैग फीचर बाहर आ पाए एंड यहाँ से मैं इनहेल कर पाऊँ। तो ये तीनों होज अडेप्टर मैं वापस से लगा देता हूँ। अल्बोज ने लॉन्च कर दिया है लव 66 फ्लेवर, तो आज इस फ्लेवर में देखेंगे कितना 66 है एंड कितना लव है। बिल्कुल ही सिमिलर फ्रेगनेंस से आ रही है इसमें, लाइक अदालिया लव 66 की जैसी फ्रेगनेंस होती है। तो इसको फ्लेवर सेट कर लेते हैं एक बारी एंड फिर देखते हैं कि इसका कैसा एक्चुअल में टेस्ट है। तो सिलिकन बाउल का सबसे अच्छा बेनिफिट ये लगता है कि आप इसमें कम फ्लेवर भी आराम से इजीली पी सकते हैं एंड थोड़ा ज़्यादा फ्लेवर भी। अभी ऑलमोस्ट हमने इसमें 10 से 15 ग्राम फ्लेवर ही रखा हुआ है एंड काफ़ी अच्छा स्मोक इसमें से लग रहा है कि आ जाएगा। तो ये है अलाफंदी की हॉट प्लेट, 500 वॉट की हॉट प्लेट, आप देख सकते हैं कितनी क्लासी सी हॉट प्लेट है। 5 एडजस्टेबल इसमें लेवल्स हैं इसके जिसको आप इजीली सेट कर सकते हैं यहाँ पे एंड ऑटो कट फीचर है इसमें। अच्छी क्वालिटी में एंड कम प्राइस में बेस्ट हॉट प्लेट है अलाफंदी की। 500 वॉट पे हम कोल्स रेडी कर लेते हैं एक बारी। कोकोनट कोल्स, 3 कोकोनट कोल्स रख दिया हमने इस पर एंड जब तक ये गर्म हो रहा है हम आपको दिखाते हैं कुछ और प्रोडक्ट्स। मैक्सिमम कंट्रीज़ में कौन से फ्लेवर हैं इतने ज़्यादा पॉपुलर, तो आपके सामने है ये केजी पैकेजिंग अल्फ़कर की जो मैक्सिमम कंट्रीज़ में लोग प्रेफर करते हैं, लाइक लेमन, 2 एप्पल, ग्रेप, पान मस्ती, गुलाबी पान। इस तरीके से केजी पैकेजिंग में फ्लेवर मिक्सिंग में भी बहुत अच्छे यूज़ होते हैं एंड मैक्सिमम कंट्रीज़ में आपको यही फ्लेवर्स दिखेंगे जो लोग इन्जॉय करते हैं हुक्का सेशन के साथ एंड यही फ्लेवर्स आपको 50 ग्राम की पैकेजिंग में भी मिल जाएंगे अल्फ़कर के। पान मस्ती, गुलाबी पान, मीठा पान, ऑरेंज विद मिंट, ऑरेंज मिंट, 2 एप्पल एंड ज़ोडियक। तो आज हम यूज़ कर रहे हैं अल्बुर्ज का लव 66 फ्लेवर एंड अल्बुर्ज में बहुत सारे ऑप्शंस आपको देखने को मिल जाएंगे, मेलन ब्लूज, गम, इधर है बेरी ब्लास्ट, कीवी, डबल एप्पल, ग्रेप, कैपेचिनो, किबाम डिलाइट एंड यही फ्लेवर्स केजी पैकेजिंग में भी अवेलेबल है। अल्बुर्ज के कुछ मोस्ट पॉपुलर फ्लेवर हैं जो 500 ग्राम एंड 1 केजी की पैकेजिंग में आते हैं, जैसे कि ये है ब्रेन फीजर, ये 1 केजी की पैकेजिंग में है, पान रस एंड कमिश्नर। तो 3-4 कोल्स
गर्म करने के लिए 500 वॉट का कोल बर्नर एनफ होता है। तो ये कुछ दो HMDs हैं जो हम काफ़ी टाइम से खुद यूज़ कर रहे हैं। एक है ये ब्लैक मामबा की बेसिक HMD एंड एक है ये इग्नाइट HMD जो कि स्टेनलेस स्टील से बनी हुई है। लॉन्ग टर्म में अगर आप यूज़ कर रहे हैं तो आप प्रेफर कर सकते हैं दोनों HMDs। कोल हमारे रेडी हो चुके हैं तो हम रख लेते हैं इसे इग्नाइट HMD पे। स्टेनलेस स्टील HMD क्यों होती है बेटर, आइए देखते हैं। ये हमने सिलिकन बाउल में फ्लेवर लगाया हुआ है एंड स्टेनलेस स्टील HMD में हमने रखे हुए 3 कोल्स एंड आप देख सकते हैं कि इसको सिलिकन बाउल पे प्लेस करते हुए मेरे को बिल्कुल भी कोई डिफ़िकल्टी नहीं हुई। मैंने जैसे इसको रखा है एंड ये ऑटोमेटिकली अपने आप ही एडजस्ट हो जाएगी इसमें विद इन 5 to 10 मिनट्स। तो 4 होल्स को यूज़ करने के लिए जिस नोज़ल से आप ये बॉल निकाल रहे हैं वहाँ पे आपको अपनी सिलिकन पाइप प्लेस करनी होगी। ये कुछ इस तरीके से वर्क करता है 4 होल्स। फोर पाइप कनेक्टिविटी का रियल इंजॉयमेंट इस चीज़ में है कि आप इसमें से छल्ले निकाल सकते हैं आराम से। एंड मस्ट ट्राई है अलबुर्ज का ये लव 66 फ्लेवर जो कि एग्जैक्टली टेस्ट देता है आपको अदालिया लव 66 का। तो लिमिटेड एडिशन मॉडल है वेनम 4 होज, अवेलेबल है shopdop.in पे। एंड किसी भी तरह की क्वेरी के लिए आप हमें DM कर सकते हैं shopdop.in पे।